आज की कक्षा शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी हम देखते हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है जो सीढ़ी पर चढ़ रहा है और सीढ़ी पर चढ़ते हुए उसको काम दिया गया है कि वो जितनी सीढ़ियाँ चढ़े उतनी संख्याएँ गिनेगा। 1, 2, 3, 4, 5। अब वो जब वापस आएगा तो उन्हीं संख्याओं को घटते क्रम में पढ़ेगा, 5, 4, 3, 2। प्रश्न क्या है कि वह बच्चा जितनी संख्याएं होगी उनको गिनते गिनते ही नीचे उतरेगा। आप भी इस खेल को खेलें और आप पाएंगे कि जब आप एक पर होंगे तब आप जमीन पर नहीं होंगे, कि बिना संख्या के आप नीचे नहीं जा सकते। तो एक से पहले जो संख्या आती है वो कौन सी संख्या होगी, इसी के बारे में आज हम जांच करेंगे और उन संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम कक्षा छठी का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। अभी तक हम सीख चुके हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में, छोटी और बड़ी संख्याओं के बारे में, और गणित की आधारभूत संक्रियाएं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, जोड़ घटा गुणा और भाग का प्रयोग अच्छे से हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती, जिन्हें अंग्रेजी में सक्सेसर एंड प्रीसेसर कहते हैं, पूर्ण संख्याएं जिन्हें अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, और संख्या रेखा। 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं बताएं। अगली प्राकृत संख्या कैसे आती है? इस संख्या में यदि हम एक जोड़ दें तो उससे ठीक अगली संख्या हमारे पास आ जाएगी। 10,999, इसमें एक जोड़ा तो 11,000, उससे अगली हमें निकालनी है तो या तो 10,999 में दो जोड़ देंगे, या तो फिर जो 11,000 अगली संख्या आ गई इस संख्या में हम क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे। 11,000 में एक जोड़ा, 11,001, और 11,000 में एक में फिर एक जोड़ दिया तो 11,002। इस तरह से हमारे पास 10,999 की अगली तीन संख्याएं आ गई, 11,000, 11,001 और 11,002। 10,999 से अगली तीन प्राकृत संख्याएं हैं 11,000, 11,001 और 11,002। आज जो नया शब्द हमारे पास आएगा वो है प्रवर्ती संख्या, यानी कि सक्सेसर। प्रवर्ती संख्या, 16 में एक जोड़ दिया तो 17 आ गया। 17 का और 16 का संबंध क्या है? 16 पहली संख्या है और 17 16 के अगली संख्या है। 16 में एक जोड़ दें तो उससे ठीक अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, और इस तरह से प्राप्त संख्या को दी गई संख्या का परवर्ती कहते हैं, यानी कि अगली संख्या को ही हम दी गई संख्या का परवर्ती कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं। 17, यहाँ पर देखिए 17 16 की परवर्ती संख्या है। समझ आ गया होगा, किसी भी संख्या में यदि हम एक जोड़ दें तो जो हमें प्राप्त होगा वो दी गई संख्या का परवर्ती होगा, सक्सेसर होगा। ठीक पहले आने वाले तीन प्राकृत या पूर्ण संख्याएं लिखिए। 10, 10 से ठीक पहले आने वाली संख्या कौन सी होगी? 9, यानी कि 10 में से जब हम एक घटा देंगे तो हमें 10 से ठीक पहले वाली संख्या प्राप्त होगी। यहाँ हम 10,001 में से एक घटाएंगे, 10,000 में से फिर एक घटाएंगे, उससे अगली हमें चाहिए 9,999, और 9,999 में से एक घटाएंगे 9,998,
तो हमारे 10001 से ठीक पहले आने वाली तीन संख्याएं होंगी 10000, 9999 और 9998। अब हम दूसरा जो शब्द आज की कक्षा का है पूर्ववर्ती प्रीडिसीजन, इसके बारे में बात करेंगे। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहेंगे? यदि हम दी हुई प्राकृत संख्या में से एक घटा दें तो ठीक उससे पहले वाली संख्या हमें प्राप्त होती है और इस प्राप्त संख्या को ही दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण लेके हम वही 16 में से एक घटा दिया 15, तो 15 हमारे पास क्या आया, 16 की पूर्ववर्ती संख्या आ गई। तो पहले आने वाली संख्याओं को हम पूर्ववर्ती कहेंगे और बाद में आने वाली संख्याओं को हम परवर्ती कहेंगे। अभी तक हम प्राकृत संख्याओं के समूह के बारे में ही जानते हैं। प्रश्न है, क्या सभी प्राकृत संख्याओं की कोई न कोई पूर्ववर्ती संख्या होती है? 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9, 100 की पूर्ववर्ती संख्या 99। इस तरह से क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता? सोचिए और अपना उत्तर कॉपी पर लिख लीजिए। सोचिए कि क्या कोई ऐसी संख्या है। एक के बारे में सोचें, आप एक के बारे में सोचिए, क्या एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या है? एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? हम कोई भी पूर्ववर्ती संख्या -1 करके करते हैं, एक में से एक घटा दें तो घटाना हम सीख चुके हैं और ये घटाने के बाद आया 0। लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से। ये जो समूह होगा ये है प्राकृत संख्याओं का। अब इस समूह में हमारे पास एक नया मेंबर आ गया है और नया मेंबर क्या है, 0। हम 0 को ऐड कर दें किसमें, प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में, संख्याओं के समूह में, तो जो नया समूह हमारे पास बनेगा वो समूह क्या बनेगा, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से। अब यदि कोई हमसे पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो ये है 0। प्रश्न और भी बन सकता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं और ये पूर्ण संख्या के समूह में भी आती हैं, अतः सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। अब अगला प्रश्न है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याओं में ये जो संख्या है वो प्राकृत नहीं है, अतः सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हैं। 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी। प्रश्न है, दो पूर्ण संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? हम नंबर लाइन पे बराबर बराबर दूरी पर लगाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। हम बहुत छोटी संख्याओं से लेकर चलते हैं,
और फिर दो पूर्ण संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होंगी ये ज्ञात करने का एक सामान्य नियम बनाएं। हम पहले लेते हैं एक और पाँच। एक और पाँच के बीच में कितनी संख्याएं हैं? एक, दो, तीन। हमारे पास एक और पाँच के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तीन। हम दूसरा कुछ लेते हैं दो और चार के बीच में। दो और चार के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? केवल एक। अब यहाँ देखें कि यदि दी गई दोनों संख्याओं का अंतर पाँच में से एक घटा दें बन गया चार, और यहाँ चार में से दो घटा दें बन गया दो। यदि पाँच और शून्य के बीच में देखें तो पाँच में से शून्य घटा दें तो बन गया पाँच। लेकिन इनके बीच में पूर्ण संख्याएं कितनी हैं? पूर्ण या प्राकृत संख्याएं कितनी हैं? पाँच के बीच में हम गिने तो हमारे पास होगी एक, दो, तीन, चार। यहाँ पर कितनी हैं? चार। यदि हम पाँच और एक के बीच में गिने तो हमारे पास आई तीन। चार और दो के बीच में गिने तो हमारे पास है एक संख्या। तो क्या आप इस अंतर और बीच की संख्याओं में कोई संबंध बना पा रहे हैं? एक मिनट के लिए सोचिए, कोई भी दो संख्याएं हैं उनका अंतर ये आता है और उनके बीच की संख्याओं की संख्या, बीच की संख्याओं की गिनती ये आती है। यदि अंतर चार है तो बीच की संख्या हमारे पास आ रही है तीन। यदि अंतर दो है तो बीच की संख्या एक। यदि अंतर पाँच है तो बीच की संख्या चार। नियम आपने अभी तक बना लिया होगा। अब देखते हैं नियम क्या बना कि कोई भी दो संख्याएं हैं संख्याओं के अंतर से एक कम। संख्या रेखा पर संख्याओं का बाएं और दाएं का संबंध। संख्या रेखा पर ये जो दिशा होगी वो बाएं दिशा होगी और ये जो दिशा होगी ये दाएं दिशा होगी। तो बाएं और जो भी संख्या होगी, हम देखते हैं कि यहाँ बाएं और दो है और दाएं और पाँच है। तो बाएं और जो संख्या है दो और दाएं और है पाँच, बाएं और छोटी संख्या है। बाईं ओर कौन सी होगी? छोटी होगी। और दाईं ओर कौन सी होगी? बड़ी संख्या होगी। संख्या रेखा पर जो संख्या बाईं ओर आएगी वो संख्या छोटी होगी और जो संख्या दाईं ओर आए, जैसे जोड़, घटा, गुणा और भाग, इंच, ये तीन चिन्ह, इसमें से बीच वाला जो चिन्ह है वो बराबर का निशान है, उसको हम सीख चुके हैं। अब ये दो और चिन्ह हैं, हम इनमें देखते हैं कुछ उदाहरण के साथ। नौ पाँच से बड़ा है। नौ पाँच से बड़ा है तो यहाँ हम नौ बड़ा है पाँच से, तो जहाँ बड़ा है जिस तरफ उस तरफ से निशान खुला आएगा और जो छोटा है उसकी तरफ छोटा। नौ पाँच से बड़ा है, इसको गणित की भाषा में ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे नौ बड़ा है पाँच। यदि पाँच छोटा है नौ से, हम इसको ऐसे लिखें तो क्या होगा? अब पाँच जो है
वो हमारे पास 9 से कैसा है, छोटा है। तो ये जो चोंच है वो हमेशा किसकी तरफ आएगी, छोटे की तरफ आएगी, तीर छोटे को लगेगा। 5 छोटा है 9 से, तो ये चिन्ह हमारे पास होगा से छोटा के लिए और ये चिन्ह से बड़ा के लिए, और ये चिन्ह आएगा बराबर के लिए, 5 बराबर है 5 के। पहला चिन्ह से बड़ा है, दोबारा से देखें, 9 बड़ा है 5 से, 5 छोटा है 9 से, 5 बराबर होगा 5 के, 9 बराबर होगा 9 के। यदि हम 5 बराबर 9 लिख दें तो ये हो जाएगा गलत। ये क्या है, 5 बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो हम बराबर का निशान लगा के ऐसे काट देंगे, तो इसे आएगा 5 बराबर नहीं है 9 से। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आज की कक्षा जिसमें हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखा, परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में सीखा, संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा, छोटे बड़े और बराबर के चिन्ह का प्रयोग सीखा। आप आशा है आप सभी को कक्षा पसंद आई होगी, और इसका अधिक अभ्यास करने के लिए, अपनी समझ को और बढ़ाने के लिए आप प्रश्नावली 1 को अपनी नोटबुक पर करेंगे। धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें, सभी का बहुत बहुत आभार।